हाय, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है द टेरेस किचन में। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी बैंगन की रेसिपी। एक बार अगर आप इसे बनाएंगे ना तो बार बार आपका इसे खाने का मन होगा। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज का बैंगन, लगभग 300 से 350 ग्राम। वैसे आप रेसिपी को थोड़ा सा बढ़ाकर एक से ज्यादा बैंगन भी ले सकते हैं। आप इस तरह से डार्क कलर वाले या फिर ग्रीन बैंगन भी ले सकते हैं। बैंगन को अच्छे से धो के पोंछे फिर कट करें। उसके बाद एक हिस्से में इस तरह से कट्स लगाएं। तो हमें क्रॉस क्रॉस कट्स इस पर लगाने हैं। जो नेक्स्ट स्टेप है आप इसके बाद तुरंत करें, या फिर अगर आप थोड़ा टाइम लेने वाले हैं तो बैंगन को पानी में रख दें ताकि काला ना पड़े। अगर आप तुरंत बना रहे हैं तो सेम स्टेप आप फॉलो करें। नमक लगाएं ऊपर से और साथ में डालें हल्दी। नमक और हल्दी से हम इसे अच्छे से रब करेंगे। वैसे अगर आप इसे थोड़ी देर के बाद बनाना चाहते हैं तब भी आप नमक और हल्दी लगाकर रख ही सकते हैं पानी में रखने की बजाय, एक हल्का सा मैरिनेशन भी हो जाएगा। तो अच्छे से नमक, हल्दी और तेल, तेल इसलिए कि आप अच्छे से इसके ऊपर सारी चीजें फैला सकें। थोड़ा सा बैक यानी पीछे की साइड पर भी आप इस पर तेल लगा लें। इसके बाद हमें थोड़ा सा इसे स्टर फ्राई करना है, जिसके लिए आप एक तवा यूज कर सकते हैं या फिर एक कढ़ाई या पैन जिसमें आपका जो बैंगन है अच्छे से समा जाए, अच्छे से फिट हो जाए। तो मीडियम हाई फ्लेम पर हमें इसे रोस्ट करना है इस तरह से कि इस पे हल्का सा कलर आ जाए, जो इसके किनारे हैं, एजेस हैं, वो हल्के से ऐसे मुड़ से जाए। तो बैंगन आपको बाहर बाहर की तरफ से नरम लगेगा पर फिर भी ये पूरी तरह से पका नहीं होगा। इतना हमें इसे गैस पर स्टर फ्राई करना है। अब मसाला पेस्ट बनाएंगे तो थोड़ा सा तेल आप कढ़ाई में लें और उसमें डालें एक मीडियम से बड़े साइज का प्याज। मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज कर रही हूँ लेकिन आप कोई भी नॉर्मल तेल यूज करें। अच्छे से ब्राउन होने तक आप प्याज को फ्राई करें। हल्का सा ब्राउन हो जाए उसके बाद डालें लहसुन की कलियां और एक लगभग 2 टेबलस्पून आ जाए इतना अदरक है अंदाजे से आप ले सकते हैं। थोड़ा सा इसे फ्राई करें 5-10 सेकंड के लिए, फिर डालें टमाटर। टमाटर को भी आप लगभग 1 मिनट फ्राई करें क्योंकि हम पूरे मसाले को यहाँ नहीं पका रहे हैं, हम आगे इसे पकाने वाले हैं। मिक्सचर को ठंडा होने दें, उसके बाद डालें मिक्सी में। आधा कप धनिया अच्छे से धो लें और उसके बाद डालें इसी प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक के साथ बारीक प्यूरे बनाएं। पानी की जरूरत पड़ने पर थोड़ा सा पानी डालें। तड़का देने के लिए कढ़ाई में डालें तेल, थोड़ा सा नॉर्मल सब्जी से ज्यादा डलेगा। गर्म तेल में डालें जीरा। जैसा मैंने कहा मैं सरसों का तेल यूज कर रही हूँ, आप नॉर्मल अपना कुकिंग ऑयल यूज करें। मसाला डाल दें। अभी कलर आपको थोड़ा अलग लग रहा है पर इतना जबरदस्त कलर आता है इस करी का। डालें थोड़ी सी हल्दी, पहले भी बैंगन में हल्दी डाली है। लाल मिर्च पाउडर, आप तीखी और ब्याड़गी या कश्मीरी का कॉम्बिनेशन कर सकते हैं अच्छे कलर के लिए। गरम मसाला और नमक। अब गरम मसाला जो भी आपके पास है वो यूज करें, घर का बनाया हुआ या फिर रेडीमेड जो आपको पसंद आता हो। ढककर मसाले को पकाते रहें, बीच बीच में चलाते रहें ताकि कढ़ाई या पैन के नीचे ये चिपक ना जाए। मसाले ने काफी हद तक तेल छोड़ दिया है, अब इसके छींटे भी नहीं उड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसे पकाया, ये देखिए अच्छा रेडी है, कलर भी अच्छा डार्क आया है। अब आप चाहें तो इसी कढ़ाई में आप बैंगन को रख के ढक के पका सकते हैं या मेरी तरह बेक कर सकते हैं। बेक करने के लिए आप अपने OTG का या फिर गैस स्टोव पे जिस तरह से केक बेक करते हैं उस सेटअप का भी यूज कर सकते हैं। मैं बैंगन को बेक करने वाली हूँ तो बैंगन के नीचे थोड़ा सा मसाला और ऊपर की तरफ से एकदम अच्छे से मसाला हम कोट करेंगे। जो कट्स हमने लगाए हैं उसमें से मसाला जैसे जैसे पकेगा बैंगन के अंदर चला जाएगा। मैं इसे बिना ओवन के बेक करने वाली हूँ। अगर आप ओवन में बेक करना चाहते हैं तो इंस्ट्रक्शंस मैंने दिए हैं स्क्रीन पर ही। इसके पहले यहाँ पर मेरे पैन में नमक है, एक स्टैंड है बर्तनों वाला स्टील का, इसे ढककर 10 मिनट मैंने प्री हीट किया है और अब हम बैंगन को बेक करेंगे 25 से 30 मिनट या फिर जब तक ये पक जाए। तो बीच में आप ढक्कन हटाकर एक चाकू डालकर देख सकते हैं बैंगन पका है या नहीं। मैंने इसे हल्का सा प्रेस करके देखा, बैंगन पक गया है और मसाले का कलर जो आया है ना, ऐसा लग रहा है कि बस इसे तुरंत खा ले। बहुत ही अच्छा एक डीप डार्क कलर आया है और मसाला बहुत अच्छा और टेस्टी हो गया है। और आप देख सकते हैं कि बैंगन भी एकदम क्रीमी सॉफ्ट हो गया है, मतलब ये अच्छे से पक गया है। इसे आप चावल के साथ परोस सकते हैं पर मेरे हिसाब से रोटी या फिर भाकरी के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा। मसाले के डार्क कलर से ये और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। स्पेशली जो बैंगन के नीचे मसाला है वो जला नहीं है, वो हल्का सा डार्क हुआ है, एकदम परफेक्ट। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक करें इस रेसिपी को ट्राई एंड एन्जॉय।